पायल की ड्रिप ने भैया बहुत ज्यादा तंग कर दिया है। अब दोबारा ये देखो, ये दोबारा रुक गई। ये देखो, अभी डॉक्टर को मैंने बुलाया है। पायल डर जाती है जब भी इसकी ड्रिप रुकती है ना, पायल कहती है अब दोबारा फिर फोड़ेंगे। दोबारा लगे क्योंकि यहाँ पे ब्लॉकेज हो चुके हैं, तो अब देखते हैं कहाँ पे हाँ कैनूला की वजह से। तो ज्यादा परेशान हो जाएगा, अगर ढंग से एक ड्रिप लगती रहे ना तो जल्दी ठीक हो जाए ना। दोस्तों, ट्विंस बेबी को जन्म देने के बाद पायल मलिक की हालत थोड़ी खराब चल रही है। आपको बता दें कि पायल को डिलीवरी के बाद से ही काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उनकी बॉडी में लगातार दर्द होने से उनकी पूरी शरीर सूजी हुई है, जिससे उन्हें ड्रिप लेने में दिक्कतें आ रही हैं। और वहीं उनकी बॉडी में सूजन होने के कारण उन्हें कैनोला लगाने में दिक्कतें आ रही हैं, जिसकी वजह से उनकी नर्वस सिस्टम ब्लॉक हो रही है। इस कठिन घड़ी में अरमान उनके साथ लगातार बने हुए हैं। दोस्तों, अब पायल के दोनों बच्चे स्वस्थ होने के बाद अब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुके हैं। दोस्तों, हमारी तरफ से यही कामना है कि ऊपर वाला पायल और उनके बच्चों को स्वस्थ रखे।